स्वागत है आप सभी का फैक्टेक जोन में। आज हम आपके लिए लेकर आए दुनिया के वो रहस्यमय लोग जिनके आज तक कभी नहीं हो पाई है पहचान। तो आप सब्सक्राइब कीजिए फैक्टेक जोन और बने रहिए हमारे साथ। दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती रही है जिससे जुड़े हुए लोग अजूबा बन गए। वो कहां से आए और कहां गायब हो गए, ना कोई उनके बारे में बताने वाला था और ना ही कोई पहचान हो पाई है। एक दो घटनाएं हालांकि ऐसी जिसमें घटना में मौजूद पात्र की पहचान हो गई है, लेकिन ज़्यादा लोग तो अजीबोगरीब पहेली बनकर रह गए। तो उनके बारे में आज हम आपको कुछ बताएंगे। तो आप जरूर बने रहिए हमारे साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए फैक्टेक जोन। द फॉलिंग मैन। जी, जब 9/11 2001 में जब अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ था, तो उसी समय एक व्यक्ति के सर के बल नीचे गिरती तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी, जो उस वक्त काफ़ी तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। पर गिरने वाले व्यक्ति अब तक पहचान नहीं हो पाए। कुछ लोगों के अंदाजे के मुताबिक सर के बल नीचे गिर रहे व्यक्ति का नाम जोनाथन ब्रायल था, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता था। पर आधिकारिक रूप से इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई कि वो कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ गायब हो गया। द हिरोशिमा स्टेप शैडो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ तो 3 लाख लोग एक झटके में मौत के मुंह में समा गए। ये तस्वीर धमाके वाली जगह से 850 फीट की दूरी पर खींची गई, जहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, पर परमाणु बम की ताकत ने उनके पूरी तरह से उनको मिटा दिया, सिवाय उसकी परछाई के। इस छाया की वास्तविकता की कभी पहचान नहीं हो पाई कि वो कौन था। और नंबर 3 में आप देखेंगे मुस्कान के साथ सीन नदी में मृत मिली अनजान लड़की। इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाई यह कौन थी, जिसके चेहरे पर मौत का कोई भय नहीं था और ना ही कोई, बल्कि चेहरे पर संतोष से भरी एक मुस्कान थी। इस लड़की की तस्वीर को लोगों ने खरीदा और यह तस्वीर सबसे ज़्यादा किस की गई तस्वीरों में से एक है। इस लड़की के चेहरे की तस्वीर से एक मूर्ति बनाई गई, जो कि उसकी की तरह एक रहस्यमय मुस्कान के साथ दिखती रही है। तो आप हमें ज़रूर बताएं कॉमेंट करके कि आपको क्या लगता है, क्या राज हो सकती है इसके पीछे। केविन कार्टर की तस्वीर में दिखा सूडानी बच्चा। सूडान की यात्रा पर निकले फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की इस तस्वीर ने दुनिया में तहलका मचा दिया था, जिसमें मौत के द्वार पर झुके बच्चे की तस्वीर थी। इस तस्वीर के पीछे गिद्ध उसकी मौत का इंतजार करता दिखा। यह बच्चा कौन था, इसकी कभी पहचान नहीं हो पाई और इस तस्वीर ने तत्कालीन सूडान की बेबसी को दुनिया के सामने लाकर दुनिया को हतप्रभ कर दिया था। और ये काफ़ी ही दिल को झकझोरने वाली यह तस्वीर है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और नंबर 5 में आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट पर मिले अनजान लोगों के शव। ग्रीन बूटों वाले इस शव की कभी पहचान नहीं हो पाई, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकले व्यक्ति की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत सन 1922 से हुई और इस पर पहली बार 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे पहुंचे, लेकिन इससे पहले कोशिश कर चुके 200 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें कईयों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। तो आप जरूर हमें बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए फैक्टेक जोन और ये पार्ट 1 है। और नेक्स्ट में आप बने रहिए अगले घड़ी के लिए।